जोहार कृषि दर्शन में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जतुर भाई बटले 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामना किसान भाई। और साथ ही रुमकी के साथ आप जानेंगे ढेर सारी जानकारियाँ, लेकिन उससे पहले चलिए आपको दिलाते हैं जानकारी कृषि समाचार की। कृषि समाचार में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ सबा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भारत सरकार का सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर जोर, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को मनरेगा से जोड़ने का निर्णय, कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं CO1। अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से 1,55,000 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित बनाने की योजना है। पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित मंत्रालयों के आला अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में योजना के क्रियान्वयन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस योजना को गति देने के लिए मनरेगा का सहयोग लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा का उपयोग सिंचाई परिसंपत्तियों को बनाने में किया गया है, ऐसे में मनरेगा को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से एकीकृत किया जाना चाहिए। जो ग्रामीण बकरी पालन कर रहे हैं वो इस मौसम में बकरियों को ठंड से बचाने के लिए आवास और चराने के समय पर विशेष ध्यान दें। आवास के फर्श पर पुआल बिछा कर रखें और चराने के लिए खुली धूप में ही बाहर ले जाएं। पिछले कुछ दिनों बारिश होने और अभी आसमान साफ होने के बाद कनकनी बढ़ी है और शीतलहरी चल रही है। बकरी पालक इस ठंडक में बकरियों को जाड़े के प्रकोप से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करें। बकरियों के आवास के खिड़की और दरवाजे इस तरह बंद करने की व्यवस्था करें कि बाहर की हवा अंदर न आने पाए, साथ ही उन्हें खुली धूप में ही बाहर ले जाएं। सर्द के मौसम में बकरियों में, यह बहुत नाजुक जानवर है, इसमें बकरियों को काफ़ी सर्दी से बचाना चाहिए। इसमें आवास की व्यवस्था और जब चराने का जो समय है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुबह और बहुत ज़्यादा शाम में अपने बकरियों को चरने नहीं दें तथा इसमें अपने जो बकरियों का आवास व्यवस्था है उसको पूरा ढक के रखें और नीचे में जो पुआल का एक परत बना लें जिसमें बकरियों को रखें, जिससे बकरियों में गर्मी, बकरियों को काफ़ी गर्मी प्रदान होगी, जिससे उसका शारीरिक तापमान मेंटेन रहेगा, जिससे बकरियों में मृत्यु दर कम हो सकती है। अपने राज्य के किसान लत्तेदार सब्जी फसलों में अगर कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसके उन्नत प्रभेदों में CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी का चयन करें। किसान भाई कोहड़ा की अगात खेती के लिए जनवरी तक बीज बुआई का काम पूरा कर लें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थारा 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिनके बीच की दूरी 2.5 से 3 मीटर हो। इन बातों पर ध्यान देते हुए अच्छी उपज देने वाले अनुशंसित उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केंचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केंचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाया जाता है। आज हम जानेंगे यूरिया के अधिक प्रयोग से होने वाले हानि के बारे में। मिट्टी के अंदर ऐसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल के लिए लाभकारी होते हैं, इन्हें हम मित्र कीट कहते हैं। किसी भी फसल की खेती में यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने से ये मित्र कीट मर जाते हैं और फसल में रोग एवं कीट व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए किसी फसल में यूरिया का व्यवहार जरूरी हो तो यूरिया का अनुशंसित मात्रा में ही उपयोग करें।
और अब एक नजर राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4600 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1900 रुपए, चना 3200 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 950 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। भाई बहुत बढ़िया जानकारी एक हम रमन कर ली और देख ली कि नवा नवा जी कृषि यंत्र है कैसे हम रमन उकर प्रयोग करब से कर बारे में और संगे संगे बाजार भाव के देख ली और मौसम कर जानकारी। ये सारी जानकारी तो हमने आपको दिला दी लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। लेकिन भाई हमारे भेंट करब छोटा सा विराम करवा दे कहूँ जाब मई एकदम हाजिर हुआ थे बड़ी बढ़िया कार्यक्रम लेकर रमन खातिर। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। और भाई देखो हमरे मन विराम कर पहले बहुत सारे कृषि समाचार के जान ली लेकिन अब मोटा मोटी जानकारी कर आप समय। बिल्कुल, और आज जानकारी हम देने वाले हैं सब्जियों के राजा के विषय में। बहुत बढ़िया बात, मतलब कि आलू के बारे में बात करें जाती। कोई भी सब्जी हमारे किसान क्यों ना उगाते हो जब, लेकिन आलू की बात आती है तो उसमें खास देखरेख की जरूरत होती है। एकदम एकदम भाई देखो, अगर हमरे मन के तियन खाएक है, तियन में अगर आलू नहीं रही तो मजा एकदम बेकार हो जाए। तो भाई हमरे मन के खेती बारे में भी आलू बटे विशेष जोर देना है। इकर जे काका रोग है और इकर प्रबंधन हमरे मन कैसे करब है नहीं, इसी के बारे में जानकारी। ये सारी जानकारी हम लेकर आए हैं लेकिन ये जानकारी देने वाले कौन है? एकदम देखो भाई, हमरे मन संगे विशेषज्ञ हैं नीना भारती जी, आओ इनकर से हमरे मन जुड़ी ला और इकर बारे में विस्तृत जानकारी लेवे। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू फसल में कीट अगर हो, कोई रोग हो तो उसके बारे में क्या उपाय हो सकते हैं, उनसे निपटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नीना भारती जी, केवीके बोकारो की वैज्ञानिक। मैडम, हम आपसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो किसान अभी आलू लगा चुके हैं उनमें किस तरह के कीट देखे जा सकते हैं या किस तरह के रोग उस खेत को, आलू के फसल को प्रभावित कर सकते हैं? अभी आलू की फसल में ज़्यादातर रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें एक होता है अगेती अंगमारी जिसे अर्ली ब्लाइट कहते हैं और होता है दूसरा पिछेती पछेती अंगमारी जिसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं। इसके अलावा इसमें लाही भी लगते हैं,
कीट का प्रकोप जैसे लाही वगैरह भी लगते हैं। करिए अगर हम अगैती हमारे की बात करें तो उसमें किस तरह के रोग जो है किसानों को देखने में आते हैं कि उनके आलू फसल में हो गया? अगैती रोग में इसमें क्या होता है, इसके लक्षण है कि ये भूरे चमकदार धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और ये इसका संक्रमित भाग भी नीचे से शुरू होता है और यह रोग ऊपर की ओर फैलता है। इसमें नीचे की ओर संक्रमित नीचे के भाग संक्रमित होता है और यह रोग ऊपर की ओर धीरे धीरे फैलता है। इसमें जो लक्षण है वो थोड़ा कुछ विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं और इससे उनके फसल को किस तरह से हानि पहुंचती है इसके बारे में। किसान भाई जैसे देखें कि इस तरह का भूरा धब्बा जब दिखाई देने लगे तो वो लोग समझ जाए ये कि ये अगेती अंगमारी का प्रकोप हुआ है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तय कि किसान भाइयों को बीज उपचार करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाए हैं तो अगर ये लक्षण दिखाई दे तो वो दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर जैसे बीज उपचार करना रहता है तो किसान भाई विटावेक्स पावर करके आती है दवा, उसका 200 ग्राम मात्रा लेकर के एक एकड़ में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यही विटावेक्स पावर को 15 लीटर पानी 5 लीटर पानी में घोल 200 ग्राम को घोल बना करके उसका छिड़काव एक एकड़ क्षेत्र में लगाने के हिसाब से आलू में छिड़काव कर सकते हैं। ये तो अभी आपने बता दिया कि इसके उपचार के बारे में कि किस तरह से करें, लक्षण अगर दिखते हैं तो। अगर हम पिछहती अंगमारी की बात करें तो उसमें किस तरह के रोग फसल को प्रभावित करते हैं और उसका उपाय और निदान क्या करें किसान? पिछहती अंगमारी में इसमें जैसे कि पता है इसमें जो धब्बे बनते हैं वो किनारे से पत्तियों के किनारे से बनना शुरू होता है और ये फिर नीचे से ऊपर की ओर फैलने लगते हैं। इसमें भी किसान भाइयों को चाहिए कि वो ये पिछहती अंगमारी में भी वो लोग बीज उपचार जरूर करें। अगर नहीं कर पाए हैं तो दवा आती है उसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। जैसे कासू भी आती है, कासू भी 400 ml और प्लस उसके साथ धनुकॉप जो है वो मिला करके 400 ग्राम मिला करके उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आती है क्वेरिट गोल्ड करके, उसका छिड़काव भी किसान भाई 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो इन रोगों का कारण क्या होता है, ये रोग विशेषकर आलू में लगते हैं क्यों? ये इसमें कारण यही है कि जैसे कोई बीज अगर किसान भाई कहीं से लिए हो, अगर उसे पहले से लगी हुई हो रोग और वो उसको बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो उस पर रोग आ जाता है लगाने के बाद ही। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि आप बीज उपचार स्वस्थ बीज खरीदें और अगर स्वस्थ बीज है तो फिर उसका बीज उपचार करें। अगर वो नहीं करते तो ये प्रकोप होता है, कुछ मौसम की वजह से भी होते हैं। जैसे अभी बहुत रांची का तापमान गिर गया है तो इसमें पाला लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये अभी जो है अगेती और पिछेती है ये सब रोग का प्रकोप ज़्यादा होने लगता है ठंड के मौसम में, ज़्यादा ठंड होने पर। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान होगा, जैसे अभी जैसे मौसम गिर गया है, तापमान गई है, तो इसमें किसान भाई को जैसे ही इस रोग के जिस किसान के खेत में अगर इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगे अगेती या पिछेती अंगमारी की, वो तुरंत दवा का कोई भी फफूंदनाशी दवा का इस्तेमाल करें तो इससे वो बचा जा सकता है। और अगर पाला लग गई हो तो उसके लिए भी किसान भाई चाहे तो सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अगर खेत सूखा है तो उन्हें पाले से बचाव के लिए सिंचाई करने बहुत जरूरी है, खेत को गीला रखें किसान भाई। लेकिन किसान भाइयों को कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि वो बीज का चयन कैसे करें, बीज अच्छा है या ख़राब है उसकी पहचान कैसे करें और बीज उपचार करने के तरीके क्या हैं? हाँ, जैसे किसान भाई बीज जो लेते हैं 20 से 30 ग्राम के बीज का बीज लेना चाहिए उन लोगों को खेतों में लगाने के लिए। उस वजन का बीज लगाने से वो अच्छी फसल होती है। उसके अलावा अगर बीज वो लोग लिए भी हैं तो उन्हें पता नहीं है कि वो ख़राब है क्या है, तो उन्हें बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके लिए, कोई भी फसल आप लगाते हैं चाहे धान की हो या फिर सब्जी की हो, हमें बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बीज उपचार करने से क्या होता है कि आधे रोग या कीट का प्रकोप जो है वो आधे से अधिक ख़त्म हो जाता है। 100% है तो उसमें हमारा 75% हमारा बचाव होता है। इसलिए जब भी हो तो किसान भाई अगर चाहे तो बीज को ज़रूर बीज उपचार करें, ऐसा ना कि उसे छोड़ दें। बीज उपचार करने से उन लोगों को रोग से बचाव होता है, कीट से बचाव होता है। और इस बीज उपचार के अलावा कुछ और विशेष सलाह आप देना चाहें कि आलू के खेत में कीट का प्रभाव ना हो? जैसे आलू में जैसे है कि कीट का प्रभाव बहुत कम ही होता है, लेकिन जैसे अभी मौसम है तो लाही का भी प्रकोप होता है। ठीक है, तो लाही के प्रकोप के लिए कि हमने बताया कि उसमें आप मेटासिस्टॉक्स करके दवा आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर एसिटामेप्रिट करके आती है उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से नीना भारती जी ने विस्तार से बताया कि आप अपने आलू की फसल को कीट से किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। और सर्वप्रथम इन्होंने एक बात पर काफ़ी जोर दिया कि आप बीज का उपचार ज़रूर करें लगाने से पहले। मैडम, हमारे किसान भाइयों को इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आलू के विषय में जो जानकारी हमने आपको दिलाई वो आपके लिए काफी कारगर रहेगी आलू की खेती के लिए। और देखो भौजी, खेती बाड़ी तो लागले रही, लेकिन खेती बाड़ी से जुड़ल एक महत्वपूर्ण संदेश, यानी जल का बचाओ। एकदम एकदम सही बुझली रोड़े, ताऊ हमारे मनी संदेश के देखत। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपना कर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। बहुत बढ़िया संदेश, और भाई हमारे मन के जल और पानी के बचत करे कर उपाय बताए, और साथ ही साथ कम पानी में किस तरह से टपक विधि का प्रयोग करके हम खेती कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो किसान भाई देखो, अब हमारे मन के जानकारी दूसर देवे है, और दूसर जानकारी है हमारे मन कर सब्जी की। जी हाँ, और वो भी लत्तेदार सब्जियों के विषय में। तो भाई कर में जो रोग है, रोग का निदान कैसे है, इसे की हमारे मन के जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये मौसम में हमारे मन सब्जी का खेती बृहद पैमाने पर करीला है। बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि सही जानकारी हो, तभी इसका मुनाफा सही से लिया जा सकता। एकदम सही कहली, बहुत जरूरी। तो आओ हमारे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी सुदर्शन मौर्य जी से, जे की हमारे मन के बताबे जे लतरदार सब्जी है उकर में जे रोग लागेला सेकर बारे में, और इकर निदान का है सेकर बारे में। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम अपने इस अंक में चर्चा करेंगे लतेदार सब्जियों में लगने वाले रोग एवं उसके निदान के बारे में। इस बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अभी के मौसम में उन किसान भाइयों को खेतों में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण लतेदार सब्जियां लगी हुई हैं। देखिए, हमारे किसान भाइयों के खेतों में इस समय सेम, फ्रेंच बीन, बोधी, ये फसलें जो है मुख्य रूप से जो है हमारे लतादार ग्रुप की फसलें हैं, और ये हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हुई हैं। और इन फसलों में इस समय जो है किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जाड़े के दिनों में ज़्यादातर किसान भाई जो है निश्चिंत हो जाते हैं कि जाड़ा आ गया है, बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन बीमारियां आती हैं। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारी है जो हमारे किसान भाइयों को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है? हाँ, जैसे हमारे किसान भाई के खेत में फ्रेंच बीन लगा हुआ है, बोधी लगी हुई है, सेम लगा हुआ है, तो इनमें कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं? अब जैसे हम बारी बारी से हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम सेम की बात करें तो सेम में जैसे अभी ज़्यादातर फसलें जो आप देखेंगे कि पौधे में जो फूल आना स्टार्ट हो रहा है, कुछ में फली लग रहे होंगे, तो ऐसे फसलों में मुख्य रूप से जो एक फल में भी एक बीमारी आती है और पत्ते में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। उसमें होता है क्या है कि आप देखेंगे जो फल होता है, फल के जो है एक सिरे पे काले काले चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, वो जो है फल को सड़ा देते हैं या सुखा देते हैं। साथ ही साथ पत्तियों पर भी आप देखेंगे चॉकलेट जैसा धब्बा दिखाई पड़ता है, ये जो है प्रमुख रूप से हमारे सेम की फसलों में दिखाई पड़ता है। इस तरह के लक्षण यदि जैसे ही आपको खेतों में दिखाई पड़े तो किसान भाई तुरंत आप जान जाए कि इस समय आपको दवा का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। और इस समय यदि दवा का छिड़काव की बात बताएं तो सेम में यदि आप इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो आप जो है ब्लू कापर ले लें या ब्लाइटक्स 50 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। यह दवा यदि उपलब्ध न हो तो आप जो है कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या साफ करके एक दवा आती है उसमें जीनेब और मैंकोजेब का मिक्सचर होता है, उसको आप ले सकते हैं, 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे तो बीमारी नियंत्रित हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो भी अभी आपने दवा का नाम लिया वो सब रासायनिक दवा, हमारे किसान भाई बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं कि उनके पास थोड़े पैसों की कमी होती है, तो ऐसा कोई घरेलू उपचार हो जो कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सके कि हमारे किसान भाई घरेलू तरीकों से जो है बीमारियों को कैसे नियंत्रित करें? तो हमारे किसान भाइयों के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज उनके घर में उपलब्ध हैं, उनका वो इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, जबकि यदि उन रिसोर्सेज का या उनके पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें तो अपने खेत में लगने वाली बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जो बीमारी हमने बताया उसको नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है, आप जो है करंज की खली ले लें, उसको पानी में भिगा दें, साथ में जो है उसमें जो है 250 से 300 ग्राम जो है चूना भी ऐड कर दीजिए और मिला के उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन उसको छान लें और उसका छिड़काव करें, तो ये भी जो है बहुत बढ़िया जो है फफूदी नाशक है। इसके अलावा यदि आप किसान भाई चाहें तो और जो है विभिन्न तरह के जब बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए करंज की खली ले लें, गाय का मूत्र ले लें,
थोड़ा सा उसमें चूना ऐड कर लें, थोड़ा सुरती जो खैनी होती है उसके जो है कहना तब पत्तियां जो उसमें डाल दीजिए, और कुछ जो है लहसुन के जो फ्लेक्स होते हैं, लहसुन के दाने होते हैं, उसको जो है कुचल के डाल दें। इसको डाल के ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और अगले दिन उसको छान लें। जितना पानी है उसको 3 से 4 गुना पानी अलग से उसमें ऐड करके अपनी फसलों पर छिड़काव करेंगे तो जो है एक नहीं कई तरह की बीमारियों को नियंत्रित करता है। तो हमारे फ्रेंच बीन भी जो हमारे किसान भाई लगा चुके हैं तो हाँ। उनमें वो कौन से महत्वपूर्ण कीट लगते हैं और उनके लक्षण क्या है, हमारे किसान भाई उसे कैसे पहचान सकते हैं? फ्रेंच बीन की बात करें या बोधी की बात करें तो उसमें एक उकठा बीमारी आती है। उस उकठा बीमारी में होता है क्या है कि पौधे की पत्तियाँ जो है पीली पड़ जाती है और पूरा का पूरा पौधा आपका सूख जाता है, लेकिन उसकी पत्तियाँ जो है उसी पौधे में लगी रहती है। ये जो है उसका जो है यूनिक सिम्टम्स होता है। ये जो होता है फ्यूजेरियम के द्वारा एक बीमारी होती है और दूसरा जो है स्क्लोटिनिया के द्वारा होता है। इन दोनों बीमारियों में आप देखेंगे पौधा का पूरा पौधा आपका सूखेगा। जैसे वो किसी भी अवस्था में आ सकता है, इवन जो फल लगा हुआ है तब भी वो बीमारी के लक्षण आ सकता है, और फल फूल यानी लेने की स्थिति में है तब भी ये बीमारी आ सकती है। तो इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो है पहले से कुछ जो है तैयारी करनी पड़ती है बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। यदि जो किसान अभी लगाने जा रहे हैं तो ऐसे किसान थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो है बीजों को उपचारित कर। बीजों को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छी फफूदीनाशक है। यदि इसको इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार में तो जो मिट्टी जनित बीमारियां होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप जो है कार्बेंडाजिम ले लें या बाविस्टीन, उसको जो है 2 ग्राम प्रति केजी सीड में ऐड करके उपचारित कर लें और फिर उसको जो है छाया में सुखा के फिर जो उसको लगाएं। जो कद्दू जो फसल है जो कि हमारे झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई भी जाती है, बहुत सारे लतेदार सब्जियां, एक फल छेदक बीमारी भी होती है जो कि हमारे किसान भाई अक्सर उस बीमारी से परेशान रहते हैं अपने खेतों में, तो उसका जो लक्षण होता है वो क्या है और उसके कौन कौन से बेहतरीन उपाय हो सकते हैं बचाने को? देखिए हमारे किसान भाई जो है अभी जो है कद्दू वर्गीय जो फसलों को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो बीमारी एक आती है मुख्य रूप से एक पौधा आपका जो है उकटने लगता है, सूखने लगता है। ये बीमारी जो है मिट्टी से फैलती है। इस बीमारी में जो लक्षण होते हैं आप देखेंगे कि पौधा किस छोटा सा है तब भी, थोड़ा बड़ा हो गया है तब भी ये पौधा आपका जो है झुलस के सूख जाता है। और इस बीमारी का कोई अभी तक जो है सक्सेस उपाय नहीं मिला है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने जा रहे हैं तो जहाँ पर आप लगाने जा रहे हैं उस खेत में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें और बीज को बाविस्टीन या ब्लू कापर से उपचारित करें। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप जो है लगाएं के फसलों को तो एक जगह कम से कम 2 से 3 पौधे आप बीज डालें जी। क्योंकि ये जो है ये बीमारी जो शुरू स्टेज में जो है ये बीमारी सबसे पहले आता है, तो 2 पौधे यदि आप 2 बीज डालेंगे तो 1 पौधा यदि मर जाता तो 1 पौधा बचा रहेगा। लेकिन यदि शुरू में आप देखिए 1 का 2 का पौधा मरना स्टार्ट करता है तो उस समय जो है कार्बेंडाजिम ले लीजिए, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। और ये ध्यान में रखना है कि जो है इस बीमारी का जो है बाद में भी जो है रोग के लक्षण आ सकते हैं तो आपको जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इस दवा का छिड़काव करना है। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। भाई बहुत बढ़िया जानकारी है एकदम, आज सब्जी से भरल पूरल जानकारी यही हमने आज सारी जानकारी दे दी, आलू के विषय में दे दी और साथ ही साथ सब्जियों के विषय में भी जानकारी पूरी दे दी। लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे जाने का, और लेकिन जाए से पहले किसान मन एकदम निकला के तैयार रखें कॉपी और कलम के, तो रूढ़े फटाफट बताए दो कार्यक्रम का पता। तो जल्दी से लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाई आसरा करेला रोड मन के जी हमारे मन जानकारी दिली, रोड मन खातिर बहुत लाभ पहुंचाई और रोड मन के सीखते हुए बढ़िया से खेती बाड़ी कर काम करो रोड मन। तो आज के लिए बस इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत, जोहार।